यहाँ पर आपकी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है, लॉलीपॉप भी नहीं मिलने वाला है तेलंगाना में आपको। और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि वो जो शख्स को आपने अपनी पार्टी से निकाला था, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाम खना पकड़, आपने दोबारा उसका सस्पेंशन बहाल किया, आपने बता दिया सेक्युलरिज्म के माने आपके पास क्या है। और मुझे यकीन है कि वहां की आवाम भी एक मुंह तोड़ जवाब देगी इन लोगों को जो आज इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करते हैं। और ये जनाब कांग्रेस के हैं मेरे भाई, ये मौसम का कीड़ा है। इलेक्शन आ गया मौजूद, इलेक्शन में हारेगा फिर गायब, फिर कभी बोलेगा मैं मोदी के पास चला जाऊंगा, कभी उनके पास चला जाऊंगा, कभी इनके पास चला जाऊंगा। नहीं मालूम किस करवट उठता और क्या सूंघ के बोलता, मेरे को नहीं मालूम। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस का साथ दीजिए। 30 तारीख के दिन सुबह सुबह उठकर आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होइए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करिए। हमारी लड़ाई हमेशा से गरीब और मजलूमों की लड़ाई रही है। हमने कभी भी मजहब के नाम पर ये नहीं देखा कि कौन किस मजहब का समुदाय का है। हमारा काम यह है कि गरीब है, कमजोर है, तो उसको ताकतवर बनाया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम अपना वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर नामपल्ली की तरक्की के लिए, नामपल्ली में भाईचारगी को और मजबूत करने के लिए, नामपल्ली के गरीबों को गवर्नमेंट की स्कीम में और हिस्सा मिलने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस पार्टी को वोट दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस रिमझिम बारिश में भी आ गए। अब कांग्रेस वाले परेशान होंगे कि इतनी बारिश में भी आ गए, मोदी जी भी परेशान होंगे कि आखिर है क्या बाजार घाट में। हाँ, दिल में बसा लिए जमात को, अभी यहाँ से आवाज आई। खैर बहरहाल आप दिल में बसा लिए, मगर उनके दिल में हलचल पैदा हो गई है कि बारिश में भी बैठे हैं फेनेटिक। इसको बोलते फेनेटिक, ये मजलिस के बहुत पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमत।